चालक अपनी समस्याओं को लेकर आज स्थानीय विधायक चौधरी किरणेश जंग से मिले और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। रिक्शा चालकों की समस्याओं पर गौर करते हुए विधायक ने SDM पाउंटा व SP पाउंटा के साथ ई रिक्शा वालों की बैठक करवाई और समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाउंटा साहिब में कई ई रिक्शा ठेके पर चलाए जा रहे थे और बाहर के रिक्शा चालक भी यहां कार्य कर रहे थे, जिसको लेकर क्षेत्र के रिक्शा चालक परेशान थे। ई रिक्शा चालक की समस्याओं को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। वहीं SDM ने बताया कि क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। वहीं ई रिक्शा वाले पार्किंग व स्थायी रणनीति चाहते थे, जिसका समाधान प्रशासन व स्थानीय विधायक ने किया। तो उसमें जो जैनन आदमी थे, 7 या 8 उसमें से जैनन आदमी थे, उनको यहाँ अलाउ कर दिया हिमाचल में। और कुछ लोगों ने 15-20 रिक्शाएँ लेकर खरीद कर आगे किराए पे देते थे, तो एस साहब ने आज उनको टोटल मना कर दिया है। ये जो ई रिक्शा का काम है, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उन्हीं के लिए दिया। ई रिक्शा पाउंडा में काफ़ी देर से इसका इशू करने था और उसमें ट्रैफिक की काफ़ी समस्या आ रही थी और ये शिकायत मिल रही थी कि बहुत सारे आसपास के इलाकों से जो है ई रिक्शा वाले यहाँ एंटर कर रहे हैं। पाउंडा में जैसे पुलिस की रिपोर्ट थी कि काफ़ी क्राइम भी बढ़ा है इससे, तो अभी आज इनकी मीटिंग किए हमने और जिसकी अध्यक्षता हमारे आदरणीय MLA पाउंडा ने की है और उसमें हमने कुछ बेसिक रूल बना दिए हैं जिसके तहत जो है ई रिक्शे ऑपरेट करेंगे। सोलन के सुभाथू में गोस्वामी सनातन धर्म कॉलेज के सीनियर छात्र छात्राओं द्वारा शुक्रवार